बंगाल की वो मुख्यमंत्री जो हर मुद्दे पर प्रेस के सम्मुख कोई ना कोई बयान निश्चित रूप से देती हैं, वो तब क्यों चुप्पी साध कर बैठी हैं? ये मात्र एक महिला का अपमान नहीं है। ममता जी हमको ये बतलाएं कि वो उस नेता को कब तृणमूल से बर्खास्त करेंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय ने अब तक चुप्पी साध कर रखी है। उनके एक मंत्री द्वारा देश के राष्ट्रपति पर अभद्र टिप्पणी का होना तृणमूल सरकार के संस्कारों का दर्शन है। लेकिन मैं प्रश्न ये करना चाहती हूं कि बंगाल की वो मुख्यमंत्री जो हर मुद्दे पर प्रेस के सम्मुख कोई ना कोई बयान निश्चित रूप से देती हैं, वो तब क्यों चुप्पी साध कर बैठी हैं जब उनके एक नेता देश की राष्ट्रपति पर इस प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं? इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस में इस प्रकार की चर्चाएं आम सी हो गई हैं। ये मात्र एक महिला का अपमान नहीं है, मात्र एक आदिवासी महिला का अपमान नहीं है, भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद का यह अपमान है। तो मैं तृणमूल के उस नेता का बयान नहीं सुनना चाहती, मैं चाहती हूं कि ममता जी हमको ये बतलाएं कि वो उस नेता को कब तृणमूल से बर्खास्त करेंगी और उनको मंत्री पद से कब हटाएंगी। সম্মান করি তোমার রাষ্ট্রপতিকে